हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीप्ति दिस साइड. वेलकम टू माय चैनल वंडरलर्स दीप्ति. तो आज सुबह के 6 बज रहे हैं और हम तैयार हो गए हैं दिल्ली से नालदेड़ा जाने के लिए, जो कि दिल्ली से 370 किलोमीटर्स दूर है और हमें 8 से 9 घंटे लगेंगे. हम बाय रोड जा रहे हैं ड्राइव करके खुद, तो इसमें 8-9 घंटे की ड्राइव है वहाँ नालदेड़ा के लिए. और नालदेड़ा शिमला से 25 किलोमीटर्स आगे है और एक छोटा सा हिल स्टेशन है. ये बहुत पीसफुल और सीनिक व्यू है. शिमला तो एक प्रॉपर सिटी है और वहाँ पे बहुत क्राउड होता है, बट नालदेड़ा में ऐसा नहीं है, तो बहुत पीसफुल सी जगह है. तो वहाँ पे रहने का अपना ही एक मज़ा है. तो अब हम नालदेड़ा के लिए बस निकल ही रहे हैं. तो उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल. तो चलो चलते हैं. तो मैं अपनी कार में हूँ, हमने जर्नी स्टार्ट कर दी है. आगे हम मुरथल जा रहे हैं, वहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, पेट पूजा करेंगे, तो अब आपसे आगे मुरथल में मिलेंगे. तो गाइस, अब हम मुरथल आ गए हैं अमरीक सुखदेव पे. हम अंदर चल के देखते हैं क्या खाते हैं, पेट पूजा करते हैं. आलू पूरी है, डोसा, इडली, बरात, सांभर, सब बटन का अलग से ले आना और एक चाय भी ले आना. एक चाय उसमें चीनी कम बोला क्या गिलास और कुछ है बोला क्या गिलास वाली क्या ग्लास वाली इसे खा लो, ठंडा हो जाएगा. बटर लगा दिया वाइट. गाइस खा लिए छोले भटूरे, परांठे, पेट पूजा हो गई है, तो अब आगे मिलते हैं. तो गाइस ये हम अम्बाला पहुंच गए हैं. तो अब यहीं से एक डायवर्जन आएगा, तो अगर हम स्ट्रेट जाएंगे सीधा तो हमें राजपुरा आ जाएगा, बट हमें अभी डायवर्जन से मुड़ना है. जीरकपुर होते हुए हम वहां से फिर शिमला जाएंगे. हमें यवली रोड लेनी है शिमला के लिए. अब यहाँ से देखो वो स्ट्रेट रोड जा रही है जो आगे चली जाएगी राजपुरा, बट हम इस रोड पे हैं, इसके पैरेलल साथ पे रोड पे. अभी ये टर्न हो जाएगी अंदर की तरफ, तो यहाँ से वाया जीरकपुर होते हुए शिमला की तरफ लेंगे. गाइस हमने पंचकुला क्रॉस कर लिया है और अब हम हिमाचल में एंटर कर रहे हैं. तो यहाँ से अब हमारी हिल स्टार्ट हो जाएंगी शिमला के लिए. यहाँ से सारा हिली एरिया है और यहाँ से अब हमें अच्छे अच्छे सीन्स दिखेंगे, पहाड़ों के व्यूज दिखेंगे. ऑन द वे टू शिमला. ये हम परवानू पहुंच गए हैं. तो यहाँ पे लिखा है आई लव हिमाचल, एक पार्क बनाया हुआ है, तो यहाँ वैसे रुक सकते हैं. हेलो, तो अब हम यहाँ पे रुके हैं रास्ते में मैकडॉनल्ड्स में. तो मैकडॉनल्ड्स देखा तो मन कर गया खाने का कुछ बर्गर वगैरह,
तो रुके थे तो बताया था कि अभी ये बंद है, यहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, तो कुछ नहीं होता। आगे एक और फूड कोर्ट है, वहाँ जाके देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। तो लेट्स गो इनसाइड। अंदर डोमिनोज है और भी बहुत सारे आउटलेट्स हैं, तो अंदर चलते हैं। तो ये फूड कोर्ट है, इसके अंदर जाते हैं, देखते हैं कौन कौन से आउटलेट हैं। यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स हैं, डोमिनोज, यहाँ से खा सकते हैं कुछ। जाके देखते हैं क्या है। यहाँ पे गार्डन एरिया है, यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं और यहाँ पे व्यू भी बहुत अच्छा है। तो वाटरफॉल है छोटा सा। तो यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, कुछ भी ट्राई कर लो। और यहाँ सीन का मजा लो। तो गाइस हम कुछ ट्राई करते हैं यहाँ से और फिर आगे मिलते हैं आपको। ओके बाय। तो गाइज हम शिमला पहुंच गए हैं। इस रोड को सीधा ले लेंगे तो शिमला मॉल रोड आ जाएगी, बट हम नालदेड़ा जा रहे हैं तो हम यहाँ से एक टनल आएगी, उसमें लेफ्ट की तरफ लेंगे। थोड़ा ट्रैफिक है यहाँ पे, पर हम साइड से निकल रहे हैं। ये टनल आ गई, विक्ट्री टनल। उस तरफ शिमला मॉल रोड है और यहाँ नालदेड़ा है। यहाँ से नालदेड़ा 25 किलोमीटर है और एक घंटे में हम पहुँच जाएंगे नालदेड़ा। और हमारा रिजॉर्ट में भी एक घंटा ही लगेगा पहुँचने में, नालदेड़ा मेन में ही है हमारा रिजॉर्ट। यहाँ से एक रोड ऊपर जा रही है, यहाँ से कुफरी आता है। हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, पहले मशोबरा आएगा उसके बाद नालदेड़ा आएगा। यहाँ से ये दो रास्ते हैं, ऊपर एक नीचे। ऊपर कुफरी हाइट पे है ज्यादा, बट हमें अभी नीचे जाना है नालदेड़ा के लिए। हमारा डेस्टिनेशन आज नालदेड़ा है, तो आज हमें वहीं रुकना है।
देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे, सनसेट हो रहा है और कितनी शांति है यहाँ पे, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ का। तो इसी चीज के लिए यहाँ आने का मजा है। वाओ व्हाट अ मेस्मराइजिंग लुक, ये तो इतना अच्छा लग रहा है। तो देखो कितना अच्छा है नालदेड़ा। यस, यहाँ पे तो लोग एक दो दिनों के लिए नहीं, बहुत बहुत दिनों के लिए आते हैं रहने, क्योंकि यहाँ पे होम स्टेज बने हुए हैं। इसी पर्पस से लोग 15-15 दिन, एक एक महीना यहाँ रहते हैं पीसफुल एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे रिजॉर्ट और होटल कम है और होम स्टेज ज़्यादा है, इसीलिए तो ये हम अपने रिजॉर्ट क्लब महिंद्रा क्रिस्टीन पीक्स में जा रहे हैं। ये हिल टॉप पे है ऊपर जाके, तो उसके लिए फिर हमें काफी हाइट पे ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे यही रिजॉर्ट है अकेला इस तरफ को। यहाँ से पूरा घूम के ऊपर जाना है और फिर रिजॉर्ट आएगा। गाइस कितने हिल ऊपर जाके है, हिल टॉप पे बिल्कुल हिल्स के साथ ही चल रहे हैं हम, और वो सामने रिजॉर्ट। ये जो इनकी प्रॉपर्टी है, ये एक बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टी है क्लब महिंद्रा की, बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट है ये। और यहाँ पे सारे रूम्स भी बड़े बड़े हैं इनके। ऊपर जाना है बिल्कुल स्टीप। हिल्स के इक्वल आ जाएंगे हम। तो ये हम एंटर कर रहे हैं रिजॉर्ट में अपने, हमने एंटर कर लिया। तो गाइस ये रिसेप्शन है अंदर जाके, यहाँ पे अंदर जाके हम चेक इन करते हैं। काफी ठंड है यहाँ पे, ये रूम में एंटर कर रहे हैं। तो मैं अपना रूम दिखाती हूँ आपको। सोफा, ये बेड एरिया है, ये डाइनिंग, ये सोफा और एक किचन एरिया। किचन एरिया भी है तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत कुछ बना के खा भी सकते हैं। अभी हम मैगी बना के खाएंगे, यहाँ पे भूख लग रही है। अभी वॉशरूम है ये। तो गाइस रूम तो इनका बहुत अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम फाइनली रूम में पहुंच गए, अब रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।